रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि 7 अगस्त से इंद्रधनुष का कार्यक्रम 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी लोगों से अपील की जा रही है कि 5 साल उम्र तक के बच्चे टीकाकरण करवाएं और कोई भी बच्चा इस कार्यक्रम में ना छूट पाए। टीकाकरण करवाने से कई जानलेवा बीमारियों में फायदा मिलता है। इसको लेकर जिले के हर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जा रहा है और अपने बच्चों को तमाम जानलेवा बीमारियों से निजात दिला सकते हैं, जैसे काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, टीवी, दिमागी बुखार, डायरिया आदि। ऐसी तमाम बीमारियों से टीकाकरण से फायदा मिलता है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के किसी भी वार्ड, शहर की गली मोहल्ले व गांव, ब्लॉक, पंचायत, आसपास पड़ोस में कोई भी बच्चा टीकाकरण से अगर छूटता है तो उसको पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर टीकाकरण जरूर करवाएं। आप सभी जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगी कि दिनांक 7 अगस्त से मिशन इंद्रधनुष का सघन राउंड शुरू हो रहा है, 7 जो 12 तारीख तक चलेगा। और इन दिनों में सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि जो बच्चे 5 साल की उम्र तक के हैं और किसी भी कारण से टीकाकरण से छूट गए हों, उनको अवश्य टीकाकरण उनका करवा दिया जाए, जिसके लिए INNM से संपर्क किया जा सकता है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीकाकरण कराया जा सकता है या नज़दीकी INNM से संपर्क किया जा सकता है। इससे बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है, जैसे खसरा, रुबेला, गला घोटू और काली खांसी, टेटनस, निमोनिया, TB, दिमागी बुखार, पोलियो, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों से हम लोग अपने बच्चों को बचा सकेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि ज़रूर अपने अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं और हर पड़ोसी, हर मोहल्ला ये सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र में, उसके गांव में, उसके वार्ड में कोई भी बच्चा 5 साल से कम उम्र का टीकाकरण से किसी भी प्रकार से वंचित ना रहने पाए। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।